और लबीव से अब हमारी ट्रेन कीव पहुंच चुकी है। हम इस वक्त कीव में हैं, यूक्रेन की उसी राजधानी में जहां रूसी आक्रमण अपने चरम पर है। रूसी हमला यहां से लेकर और रशियन बॉर्डर तक सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोगों ने यहीं से पलायन किया। सीज फायर का ऐलान हो गया है इस सबके बीच में, कितना जमीन पर देखेगा वो? देखिए कितना जमीन पर देखेगा सवाल इसी बात को लेकर है, क्योंकि इससे पहले भी जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर पैसेज देने की बात हुई और लोगों को निकालने के लिए एक पैसेज देने की बात हुई, उस एग्रीमेंट को लगातार वायलेट किया गया रशिया और यूक्रेन के बीच। तो ये ऐलान जमीन पर कितना हम कहें कि ट्रांसलेट हो पाएगा, लोगों को कितनी राहत दे पाएगा, युद्ध के आगे किस तरह का विराम चिन्ह लगा पाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इस वक्त के हालात जो हम लोग लबीव में देख रहे हैं वो कभी कीव में हुआ करता था, और आज जो कीव के हालात हैं वो बतला रहे हैं कि कितने संवेदनशील हैं। और वाकई अगर युद्ध विराम होता है तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ना बिल्कुल। और हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि युद्ध का उन्माद नहीं बल्कि युद्ध की शांति जो है वो हमें यहाँ पर नजर आए और पीस टॉक्स जो है वो यहाँ पर फाइनली वर्कआउट हो जाए। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे ठीक पीछे के चर्च का जो हिस्सा है उसे आप देखिए कि ये संगीनों के साए में है। हर तरफ आपको ब्लैक जैकेट और साफ तौर पर देखिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ यहाँ पर आर्मी मौजूद है, सेना के जवान न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पूरी चौकसी और निगरानी के साथ अपने साथ जो है वो आर्मर भी लिए हुए हैं। और न सिर्फ उनके पास गन्स हैं बल्कि आप देखिए कि किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, और इसलिए क्योंकि ये समूचा इलाका जो है इस वक्त युद्ध के क्षेत्र में तब्दील है। यहाँ किसी वक्त जो है न सिर्फ फायरिंग होती है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एयर स्ट्राइक्स की स्थिति होती है। बात को लेकर अंदेशा लगातार बढ़ रहा है कि कीव में कभी भी रूस की सेना जो है वो घुस सकती है, स्ट्रीट फाइट जो है यहाँ भी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से खारकीव और बाकी लूना जैसे इलाकों में देखने को मिल रहा है। लिहाजा ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो आखिरी लड़ाई होने वाली है रूस और यूक्रेन की, इसी कीव में होने वाली है, यानी यूक्रेन की राजधानी में होने वाली है। इस वक्त इरपिन की जिस सड़क पर हम मौजूद हैं ये सड़क पूरी तरह से गोलियों से पटा पड़ा है और जो बुलेट सेल्स हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। पिनाज ये बुलेट सेल्स क्या कहते हैं? यहाँ पर आप देखिए कि मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर आपको छोटे बुलेट सेल्स, आपको बड़े बुलेट सेल्स जो हैं यहाँ पर चारों तरफ नजर आएंगे। आप ये देखिए यहाँ पर आपको मधुरेंद्र जहाँ भी नजर डालेंगे ये आपको सेल्स इतनी बड़ी तादाद में नजर आएंगे। किस बुलेट से निकले हैं ये, तो हमने उन्होंने कहा कि जो एक बड़ी गन होती है उसके ये बुलेट्स हैं। हमने पूछा कि किस मेक की है वो नहीं बता पाए क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये बुलेट जो है यहाँ पर फायर हुए होंगे। पिनाज दो तरह के बुलेट्स हैं अपने पास, दो तरह के बुलेट्स हैं ये हम दिखा सकते हैं कि ये दो तरह के बुलेट्स हैं। देखिए एक पिनाज दिखा रही है, एक मैं दिखा रहा हूँ, और इस तरह के बुलेट्स से समूची सड़क पटी हुई है, इरपिन की सड़क पटी पड़ी है, और इसका इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ के घर और दीवार पर। क्यों पिनाज दिखाई दे रहा है? पीछे मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर किस तरह से पीछे जो पूरा का पूरा घर है वो यहाँ पर जो शेलिंग हुई है, जो यहाँ पर बुलेट है उसमें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। और देखिए आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए हमारे दो रिपोर्टर्स, हमारे दो सहयोगी मधुरेंद्र और पिनाज इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। न्यूज डिस्ट्रिक्ट संवाददाता मधुरेंद्र भी यूक्रेन की राजधानी कीव से युद्ध का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको मधुरेंद्र की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। कीव में कहर मचा है, एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ बमबारी की दोहरी मार पड़ रही है। रूसी आक्रमण को झेलने के लिए फिर भी न्यूज नेशन के एक और रिपोर्टर मधुरेंद्र जान हथेली पर लेकर बैटल ग्राउंड में डटे हुए हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कीव के इस वक्त के हालात की, कीव किस तरह से तैयार है रूसी आक्रमण को झेलने के लिए, और हम बिल्कुल इस वक्त खड़े हैं कीव के उस पॉइंट पर जहां तैयारी की गई है कि रूसी आक्रमण जब ऑन फुट हो, जब सोल्जर यहां रूसी घुसें तो कैसे रोका जाए। देखिए यहाँ सामने लगे हुए ये दरअसल आयरन बैरिकेड्स हैं जो कि पहले बैरियर के तौर पर नजर आ रहे हैं, और इसके ठीक आगे आप देखिए तो आयरन बैरिकेड्स के साथ साथ आपको दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के टैंक जो कि बिल्कुल तैयार खड़े हैं मोर्चा संभालने के लिए, दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए। और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से ये तमाम बर्फ में ढके हुए टैंक जो हैं न सिर्फ तैयार हैं बल्कि इसके साथ साथ पूरा आर्मी का इंस्टॉलमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जगह जगह हमारे कैमरे में तो कैद हम नहीं कर सकते चूंकि बाध्यताएं हैं,
पर ठीक पीछे आ रही फायरिंग की आवाज, ठीक पीछे आ रही युद्ध की आवाज, ठीक पीछे गरजते यहाँ पर टैंक की आवाज हम सुन सकते हैं जहां पर हम जाने वाले हैं इरपिन में। और इस वक्त कीव तैयार है क्योंकि इंटेल इस बात को लेकर है कि 24-48 घंटे के बीच यहाँ पर रूसी सेना घुसेगी और फिर वही नजारा देखने को मिलेगा जो कि खार्किव में दिखा, लूना में दिखा। मधुरेंद्र और पेराज कीव से करीब 30 किलोमीटर का सफर तय कर इरपिन पहुंचे। ये बॉर्डर इलाका है जहां से कुछ दूरी पर रूसी सेना मोर्चे पर है और कीव पर कब्जा के लिए वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में यहां के लोगों को बसों या दूसरे वाहनों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इरपिन में जारी जंग का सबसे बड़ा असर इस वक्त मानवीय त्रासदी के रूप में सामने आया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हजारों हजार लोग इरपिन छोड़कर कीव और वहां से लीव की तरफ जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ये वही बॉर्डर पॉइंट है जहां से आगे इरपिन शुरू होता है। हम इरपिन के एकदम करीब बॉर्डर पॉइंट पर हैं। यहां देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन पैसेज जो क्रिएट किया गया है, इस बीच बसें लगाई गई हैं और हजारों लोग इन बसों में बैठकर सफर कर रहे हैं जिनका घर जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए किस तरह से हाथ में छड़ी लिए घायल लोग यहां से गुजरते आपको दिखाई दे रहे हैं और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो त्रासदी की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। दरअसल इरपिन से जब कीव की तरफ बढ़ेगी रूसी सेना तो उसको रोकने के लिए किस तरह से यूक्रेन आर्मी यहां पर तैयार है। हम खड़े उस बॉर्डर पॉइंट पर जो दरअसल बॉर्डर पॉइंट है इरपिन और कीव के बीच का जहां पर हमला होने वाला है और इस हमले को रोकने के लिए देखिए किस तरह से यूक्रेन आर्मी ने यहां पर जो कॉलम है वो तैयार किया है। यहां आप देखिए आयरन कॉलम आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, सामने देखिए टायर्स लगे हुए हैं पूरी तरह से जो रोकने के लिए हैं। उसके अलावा आप देखिए किस तरह से चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनियन आर्मी जो है चेकपोस्ट बना रही है, इसी चेकपोस्ट के बीच जो है वो सेना मोर्चा संभाले हुए खड़ी है। तो इस तरह से ये समूचा इलाका इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। बॉर्डर के उस पार रूसी सेना डटी है तो बॉर्डर के इस पार यूक्रेन की सेना उनसे न सिर्फ लोहा ले रही है बल्कि पिछले 14 दिनों से रूसी सेना को इरपिन के पास ही रोके रखी है। यहां जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, सड़कों पर दूर दूर तक बुलेट्स बिछी है। ऐसे जंगी हालात में भी न्यूज नेशन के दोनों जाबाज रिपोर्टर पेराज और मधुरेंद्र यहां पहुंचे और यहां के बदतर हालातों के बारे में बताया। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये बुलेट्स जो हैं यहां पर फायर हुए होंगे। पिनाज दो तरह के बुलेट्स हैं अपने पास, दो तरह के बुलेट्स हैं। ये हम दिखा सकते हैं कि ये दो तरह के बुलेट्स हैं। देखिए एक पिनाज दिखा रही है, एक मैं दिखा रहा हूं। और इस तरह के बुलेट से समूची सड़क पटी हुई है, इरपिन की सड़क पटी पड़ी है और इसका इसका जो इफेक्ट है वो यहां के घर और दीवार पर। क्यों पिनाज दिखाई दे रहा है? पीछे मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगी यहां पर किस तरह से पीछे जो पूरा का पूरा घर है वो यहां पर जो शेलिंग हुई है, जो यहां पर बुलेट है उसमें पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया है। देखिए इस वक्त के हालात जो है कीव में नाजुक होते जा रहे हैं क्योंकि कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर जो समूचा इलाका है वो इस वक्त रूसी सेना से पट चुका है। रूसी सेना लगभग 65 किलोमीटर तक हम कह सकते हैं कि पीछे ऑलरेडी जो हालात है उसमें दिखाई दे रही है और इस वक्त की स्थिति है उसके मद्देनजर मैं ये कह सकता हूं आपको कि जो समूचा हाल है दरअसल यहां का वो पूरी तरह से युद्ध के इस वक्त जो है उन्माद में दिखाई दे रहा है क्योंकि रूस जो है वो आक्रामक रूप अख्तियार करने वाला है। एक छोटा सा विंडो पैसे जो दिया गया था वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि यहां से लोग जो है सुरक्षित निकल सकें और इस वक्त पूरा का पूरा जो कीव है वो खाली हो चुका है। लोग यहां से जा चुके हैं, लोग यहां से न सिर्फ जाकर लवी में भी नहीं रुके हैं बल्कि पलायन करके हंगरी और पोलैंड की तरफ जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से इस वक्त जो है ये समूचा इलाका जूझ रहा है। बर्बारी के बीच लोग पलायन को मजबूर है। समूचा का समूचा एक तरह से कीव का जो एक तरह से बॉर्डर एरिया है वहां पर रूसी सेना खड़ी है, वहां पर इरपिन पे जो है लड़ाई चल रही है और इरपिन से इसलिए रूसी सेना आगे नहीं बढ़ रही है, पिछले हफ्ते भर से वहीं पर टिकी हुई है ताकि ये इलाका खाली हो जाए। और ये माना जा रहा है कि एक से दो दिन में यहां पर जो है हमले हैं उसी तरह के देखे जाएंगे जैसे हम लोगों ने खार्किव में देखा, जिस तरह से लूना में देखा। तो इस मौजूदा स्थिति और इस चैलेंजिंग कंडीशंस के बीच इस वक्त जो है कीव गुजर रहा है। कीव में हर जगह सेना तैयार है क्योंकि स्ट्रीट फाइट यहां होना है, हर जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। बैरिकेडिंग्स के साथ साथ आयरन बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई है जो कि हम कहें आपको कि स्टोन बैरिकेडिंग के साथ साथ लगाई गई है ताकि जब सैनिक मूवमेंट हो उसका यहां तो उसको रोकने के लिए जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं आप और पिनाज। आप दोनों अपने आप को बिल्कुल ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, यह भी उतना ही जरूरी है जितना जमीनी जो तस्वीरें हैं वो लोगों तक पहुंचाना। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले। जहां जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है वहां से तमाम खतरों के बीच न्यूज नेशन की टीम आप तक हर पल का अपडेट पहुंचा रही है। रूस की सेना ने 1 मार्च को यूक्रेन की राजधानी कीव में एक टीवी टावर पर मिसाइल से हमला करके उसे तबाह कर दिया था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आपके जहन में वो तस्वीरें जरूर होंगी। और इस तबाही के बाद
आपका चैनल न्यूज नेशन सबसे पहले वहां पहुंचा है। तबाही का जो मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से इस प्रिसाइजन अटैक में बिल्कुल तय जगह पर रसन जो पूरा का पूरा मिसाइल है वो गिरा। मैं अपने सहयोगी पिनाज को कहूंगा कि थोड़ा आगे हमारे साथ आएं ताकि मैं दिखाऊं उस डिवेस्टेशन को, उस विध्वंस को जो कि रूस ने यहाँ पर किया है टीवी टावर के साथ। ये देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा मिसाइल जो है वो गिरा है, उसने यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पोल को भी डैमेज किया है। और पिनाज मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर आना चाहूँगा ताकि मैं दिखाऊँ अपने दर्शकों को कि यहाँ विध्वंस की तस्वीरें कितनी भयावह हैं। आपको थोड़ा सा आगे आना होगा, थोड़ा सा आगे आएंगी आप और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये देखिए मिसाइल यहाँ पर गिरा हुआ है। इस मिसाइल को देखिए कितना भयावह यह मिसाइल गिरा है यहाँ पर। आप देखिए ये रशियन मिसाइल है जो कि कीव में, जी हाँ, यूक्रेन की राजधानी कीव में गिरा हुआ है मिसाइल है। टीवी टावर पर इसको मैं दिखा रहा हूँ। इस मिसाइल को आप देखिए और समझिए कि ज़रा ये मिसाइल कितना भयावह है, कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, जिसने टीवी टावर के साथ साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दी। और एक नहीं बल्कि मैं आपको दूसरा मिसाइल भी दिखाने चलता हूँ। आइए हमारे साथ और ठीक हमारे पीछे देखिए ये दूसरा मिसाइल आपको दिखाई दे रहा है। ये मिसाइल किस तरह से अंदर जाकर पूरा का पूरा गड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि रूस ने किस तरह से प्रिसिजन अटैक किया है, बिल्कुल सोचे समझे तरीके से यहां पर अटैक किया है। सहयोगी पिनाज के साथ मधुरेंद्र कुमार, यूक्रेन की राजधानी कीव से। देखिए हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और हालात युद्ध के हैं, हालात युद्ध के और ज्यादा खतरनाक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ये ठीक पीछे का इलाका इरपिन जो है वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि रूस की सेना को रोकने के लिए किस तरह के पोस्ट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, बगल से पेड़ काटकर लाकर इसके तने डालकर टायर को लगाकर और इस तरह के पोस्ट बनाए जा रहे हैं, इस तरह के बंकर्स बनाए जा रहे हैं। इन बंकर्स को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी की पूरी रूस की सेना है उसको रोकने की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ये बुका डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। बुका डिस्ट्रिक्ट और इरपिन ये दो ऐसे इलाके हैं जो कि कीव को दो तरफ से घिरते हैं और दोनों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की सेना कीव की तरफ कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसके पहले इवैक्यूएशन पैसेज इसलिए दिया गया ताकि आम लोग यहां से निकल जाएं। हमने देखा किस तरह से खारकीव और सीमा में इवैक्यूएशन पैसेज देने के बाद कहर बरपाया रूस ने और अब कीव की बारी है, अब कीव कूच करने की रूस की सेना की तैयारी है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कहर बरपाने के लिए पूरी तरह रूस की सेना तैयार है, जो लगभग 65 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इरपिन से बात करें तो यहाँ से हम जानते हैं कि बेलारूस का बॉर्डर भी 20-25 किलोमीटर महज है। तो ऐसे में जो स्थितियाँ हैं बेहद नाजुक हैं, बेहद खतरनाक हैं और युद्ध के हालात जो हैं अब उस मोड़ पर आ पहुँचे हैं जहाँ रूस कीव को फतह कर लेना चाहता है। धमाके की इस आवाज़ को सुनिए, शुरू हो चुका है यहाँ फिर से एक बार ह्यूमैनिटेरियन पैसेज के खत्म होते ही धमाका और रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध एक बार फिर से चरम पर पहुँचने वाला है। ये आवाज़ सुनिए, इस धमाके को सुनिए, ये धमाका फिर से आपको बतला रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से अब फिर से रशियन आर्मी ने फायर खोल दिया है। थोड़ी देर के लिए ह्यूमैनिटेरियन पैसेज दिया गया था लेकिन उसके बाद धमाके फिर से इस इलाके में शुरू हो चुके हैं और इन धमाकों के बीच अब हमें निकलना होगा क्योंकि ये इलाका अब बुरी तरह से अनसेफ है और यहाँ अब रुकना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल इस वक्त की जो स्थितियां हैं वो किस तरह से भयावह हैं। दो हिस्सों में बटा हुआ यूक्रेन हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दो हिस्से में यूक्रेन बटा हुआ है। ये नदी जो आप देख रहे हैं ये दरअसल इरपिन और कीव को अलग करती है और जोड़ने के लिए जो पुल था वो पूरा तबाह हो चुका है। और इस पुल के नीचे से गुजरते हुए लोग जो है वो बतला रहे हैं कि किस त्रासदी को इस पुल ने देखा है, इस नदी ने देखा है, इस युद्ध के दौरान इस नदी के बहते पानी से कितनी जिंदगानियां और कितनी जिंदगी बह गई है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पुल को उड़ाकर यूक्रेन की सेना ने दरअसल रूस को आगे आने से रोका है, कीव की तरफ बढ़ने से रोका है। लेकिन रशियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है, उनके फाइटर्स तैयार हैं, उनके एयर सपोर्ट तैयार हैं कि वो आगे बढ़ें। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरी जो पैसेज मिला है ह्यूमैनिटेरियन पैसेज, उसमें किस तरह से लोग जो है वो अपनी दुर्दशा को झेलते हुए निकलते हुए नदी किनारे नजर आ रहे हैं, पुल के नीचे से नजर आ रहे हैं। सहयोगी पिनाज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, इरपिन से। चलिए यूक्रेन छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। जिसमें कहा गया कि भारतीय समय मारे जा चुके हैं, 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारा है यूक्रेन ने, यह दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो रूस ने यूक्रेन के 2000 नागरिकों को मारा है, सिविलियंस को मारा है। 24 फरवरी से अब तक
ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग में परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि रूस ने धमकी दे दी, समझो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है यूक्रेन कंप्लीट। इस तरह से ऐसी मुश्किल स्थिति में आप लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाला और सोचा कि अब निकलना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं। एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे थे कि एम्बेसी की तरफ से हमें वहां से इवैक्यूएट कराया जाएगा, बट वहां से हमें कराया नहीं गया, तो हम लोग ने लास्ट में डिसीजन लिया कि सर्वाइवल ऑफ द जो फिटेस्ट होता है कि खुद से आप फाइट करो और निकलो, इसलिए हम लोग ने वहां से निकले ग्रुप बना के। क्या स्थिति थी स्टेशन पे जब आप वहां पहुंचे? एक्चुअली स्टेशन पे क्या थी, सबसे पहले बात है कि जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको ट्रेन में चढ़ाया जा रहा था, उसके बाद लेडीज को और बॉयज को चढ़ाया नहीं जा रहा था। सर कुछ लड़कियां भी हैं, देखिए छात्राओं के लिए मुश्किलें हम समझ सकते हैं कि उनके हालात में कितनी विषम होगी, तब जबकि आपकी जान जोखिम में थी, आप खारकीव के बंकर में थी, कितने दिन खारकीव के बंकर में गुजार कर तब जिंदगी को आपने जोखिम में डाला और निकली वहां से? सर हम लोग 5 दिन तक बंकर में थे और हम लोग वेट कर रहे थे हमेशा कि एम्बेसी से कोई न्यूज आएगा कि हमें हमारे लिए कुछ करेंगे वो लोग, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोगों के पास, हम लोगों ने राशन पानी खरीद तो लिया था बट वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और बाहर हम लोग नहीं निकल सकते थे क्योंकि हम लोग के घर के पास में ही बॉम्बिंग सेलिंग सब कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। और उसके बाद फिर लास्ट में जब हमने देखा कि एम्बेसी कुछ बोल ही नहीं रही है, वो बस बोल रही है अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने रिस्क पे करो। हम लोगों ने कॉल भी किया, बहुत बार कॉल किया एम्बेसी को और उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, जो सच बात है। और उन लोगों ने कहा कि बॉर्डर्स पे पोलैंड रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर पे हम लोगों के लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को निकलना है तो आप लोग वहां तक जाओ और हम लोग वहां से इवैक्यूएट करवाएंगे आप लोगों को। तो हम लोगों ने बोला सर हम लोग यहां मर रहे हैं, हम लोग वहां तक कैसे जाएं, हमारा खारकीव जो है वो पोलैंड बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर है, वहां तक हम लोग कैसे जाएं, बाहर बॉम्बिंग हो रही है, हम लोग मर सकते हैं। तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग भी रिस्क नहीं ले सकते हैं इसके। छात्र की मौत हुई, किस तरह का दहशत फिर आप लोग? हम लोग बहुत डर गए सर, उनके जगह पे हम भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था सर। हम लोग बहुत रोए और हम लोग स्पेशली हम लोग जानते थे तो और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। हम लोग बहुत मातम वाला दिन था उस दिन का, तो मंजर बहुत बता नहीं सकती हूँ। आप लोग के जानने वाले? जी सर, हमारे फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था कर्नाटका का, नवीन नाम है उसका। तो अचानक वो भी आपके साथ बंकर में छुपा हुआ है और तब जबकि कुछ राशन के लिए बाहर निकलता है और इस तरह से गोली का शिकार? यस सर, वो पानी लेने के लिए बाहर निकला था क्योंकि पानी खत्म हो गया था, हम लोग पानी वहाँ पे मशीन से भर के पीते हैं, तो उसी के लिए बेचारा बाहर निकला था और वहाँ पे अचानक से फायरिंग में उसकी मौत हो गई। आप उसके साथ मतलब कई पल बिताए होंगे और तब जबकि ऐसे हालात के बीच आप खुद निकल कर आ रहे थे, तो क्या दिल में? सर हम लोग तो अपनी रिस्क पे लेकर के वहां से जैसे तैसे, सर मैं अपनी बिल्ली को भी साथ में लेकर के वहां से निकल गया, लेकिन जैसे इन लोगों ने बताया कि वहां से हमारा स्टेशन जो था सर वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर था और उसमें कोई भी टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं चल रही थी, हर एक चीज बंद पड़ा था, तो हम लोग पैदल ही सर निकल करके वहां तक पहुंचे जैसे तैसे, लेकिन उसमें भी हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि आवाजें तो हर जगह से आ रही थी। पहले सर जो है बॉर्डर के साइड में वहां पे लड़ाई चल रही थी, लेकिन बाद में वो जो हमारा जो कॉलेज है वो सेंटर पे है, वहां पे भी लड़ाई शुरू हो गई, तो अब वहां पे तो रिस्क ले लिए, लेकिन जो हमारा फ्रेंड जिसकी डेथ हो गई वो भी सरवाइव नहीं कर पाया, अब उसके बारे में क्या ही कहा जा सके। लेकिन फिर भी आप अपने साथ अपने, मैं देख रहा हूँ पेट को भी निकाल कर लाने में कामयाब हुए हैं, अपने आप में हम कह सकते हैं कि बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वर्क। यस सर, हम लोग सर ये एक्चुअली सर हम लोग जब जिस दिन बम्बार्डिंग शुरू हुई थी उस दिन मेरी पेट जो है सर वहाँ अपार्टमेंट में ही रह गई थी क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी ऑर्डर मिला था कि जल्दी जल्दी शेलिंग सेंटर में चले जाओ, बॉम्ब सेंटर में, तो हम लोग तो चले गए थे वहां से, लेकिन 4 दिनों के बाद जाकर के मैंने अपनी बिल्ली को निकाला और फिर इसको अपने साथ 2 दिन तक फिर वहां पे रखे। मैं आपसे पूछूंगा, माँ का फोन आता था तो क्या बोलती थी माँ? मम्मी हमेशा रोती रहती थी और कहती थी सेफ रहना, बाहर मत जाना, जो मुझे बहुत डर लग रहा है, ठीक है। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी मैं सेफ हूं। वो बच्चे जिनसे मधुरेंद्र बात कर रहे हैं ये खारकीव से 2000 किलोमीटर की दूरी से हंगरी तक पहुंचे और बहुत मुश्किल वक्त इन बच्चों ने देखा। अभी भी भारत का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है।